हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड मैं आज जो रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज ऑन देयर माइंड्स। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो व्हाट इज गोइंग ऑन, लाइक यू नो अबाउट देयर थॉट्स, लाइक व्हाट दे वांट टू डू विथ यू, उनको आपके साथ क्या करना है, कैसे कनेक्शन रखना है, एंड हाउ दे फील द रिलेशनशिप इज विथ यू गोइंग फॉरवर्ड। तो ऑल ऑफ दैट, लाइक यू नो ऑन द डिटेल्स हम चेक करेंगे। बट बिफोर दैट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो। ओके, सो लेट्स बिगिन। हम ऐसे करेंगे, ये 4 पाइल रीडिंग है, सो दैट विल बी एज पर योर मंथ ऑफ द बर्थ। आपका जो मंथ ऑफ बर्थ है, सो फ्रॉम जैन टू मार्च विल बी पाइल 1, अप्रैल टू जून विल बी पाइल 2, जुलाई सेप्टेम्बर विल बी पाइल 3, एंड अक्टूबर टू दिसंबर विल बी पाइल 4। सो आपको देखना है कि आपका बर्थ कौन से मंथ में आता है, उस हिसाब से आपकी वो पाइल सिलेक्ट होगी। ठीक है, सो लेट्स गो विथ द फर्स्ट पाइल। अगर आपका बर्थ मंथ है फ्रॉम जैन टू मार्च, तो देन यू विल बी सिलेक्टिंग पाइल 1। सो लेट्स सी कि आपके पाइल 1 में क्या आता है, कि वॉट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, वॉट इज गोइंग ऑन इन द माइंड फॉर यू। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो दे थिंक लाइक यू नो उनको आपके साथ एक रिलेशनशिप में और ज्यादा उन्हें डीपर कनेक्शन एंटर होना है। दे वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप अहेड विथ यू। वो चाहते हैं कि अभी एक जो डिस्टेंस आ गया है आप लोगों के बीच में, सी मेनी ऑफ यू ऑल जो है ये जो पाइल 1 वाले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी है मोस्ट ऑफ देम। तो उनके लिए यही है, क्योंकि इतना डिस्टेंस है, इतना दूरियां हैं आप लोगों के बीच में, या फिर इन जनरल ऑल्सो आप लोगों के रिलेशनशिप में इतना डिस्टेंस है कि आप लोग एक दूसरे से इतना ज्यादा क्लोज, इतना ज्यादा अटैच नहीं हो पाए हैं और नहीं हो पा रहे हैं। तो वो दूर करने के लिए आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं कि एक कॉन्शियस एफर्ट हो, एक कॉन्शियस कोशिश की जाए जिससे आप लोग दोनों ही कनेक्ट हो, और आप लोग और डीपर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो के रिलेशनशिप आपका प्रॉपर एक इन्वॉल्वमेंट वाला हो जाए, जहाँ पे बहुत प्यार हो और बहुत ज्यादा कनेक्शन हो। अभी जो उनको लगता है कि दे आर ऑब्जर्विंग हाउ थिंग्स आर गोइंग बिटवीन यू एंड देम, एंड जैसे जैसे आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्ट होने की, लेकिन वो लेवल पे नहीं हो पा रहे हैं, बिकॉज लेकिन वो आपको समझते हैं लेकिन इतना डीपली आपको नहीं समझ पा रहे, ना आपने उनको कभी इतना डीपली समझा है। बिकॉज ऑफ ये सब चीजों की वजह से ना आप लोग इतना रिलेशनशिप में जो बोलते हैं ना कि एक डेप्थ होनी चाहिए रिलेशनशिप में, एक प्यार होना चाहिए, वो सब कमी है आप लोगों के इसमें। लेकिन ये भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट भी होंगे, आप लोगों का एक दूसरे से प्यार भी बढ़ेगा, और आप लोग एक दूसरे के साथ अच्छे उसमें भी टर्म्स में भी आ जाएंगे। आई एम सीइंग लाइक मेजर चेंजेस आप लोगों के रिलेशनशिप में उनके तरफ से। उनका एक हार्ट ना आपके लिए बहुत ज्यादा लाइक मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा आपके साथ उनको कनेक्शन बनाना है लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। बट दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट एंड दे मेकिंग एवरी एफर्ट पॉसिबल जिससे वो आपके साथ क्लोज हो जाए और आपके साथ एक होके लेकिन रिलेशनशिप आपका आगे बढ़े। सो दैट दे आर ट्राइंग एंड दे विल मेक देयर कॉन्शियस एफर्ट कि ये चेंजेस आए, और ये बहुत जल्दी होने वाला है आपके और उनके बीच में। सो दैट वॉज वॉट पाइल 1 सेज। सो लेट्स सी कि हमारे सेल्फ केयर कार्ड्स क्या बोलते हैं, कि क्या होगा आप लोग के कनेक्शन में, वॉट यू नीड टू डू। इट सेज लाइक यू नो लिसन टू म्यूजिक टुगेदर, यू ऑल हैव टू लिसन टू म्यूजिक एंड यू ऑल हैव टू लाइक जस्ट कनेक्ट। म्यूजिक विल बी अ कॉमन बॉन्ड, म्यूजिक विल बी अ कॉमन कनेक्शन बिटवीन यू एंड देम, एंड दैट विल ब्रिंग यू ऑल क्लोजर एंड दैट विल अटैच यू ऑल मोर इन अ मोर डीपर वे, जो अभी आप लोग इन जनरल नहीं कर पा रहे हैं। सो आई थिंक लिसन टू म्यूजिक, टू कॉमन म्यूजिक दैट यू ऑल बोथ लाइक एंड शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट विद, तो धीरे धीरे करके आप लोगों का कनेक्शन एक बहुत डीपर होगा। सो दिस इज वॉट योर पार्टनर वॉन्ट्स फ्रॉम यू, कि कनेक्शन उनको डीपर बनाना है जो अभी कुछ हद तक नहीं हो पा रहा है आप लोगों का, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस एंड बिकॉज ऑफ लेकिन आप लोग के माइंड में भी दूरियां हैं, आप लोग के में भी किसी किसी के माइंड में दूरियां हैं, तो किसी किसी के लेकिन द डिस्टेंस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। सो वर्क ऑन दैट एंड दैट विल हेल्प यू ऑल बिल्ड अप द रिलेशनशिप बेटर। सो लेट्स मूव ऑन टू पाइल 2। अगर आपका मंथ ऑफ बर्थ इज फ्रॉम
अप्रैल टू जून, अप्रैल मई और जून है आपका मंथ बर्थडे, इस मंथ्स में आते हैं। देन यू विल बी सिलेक्टिंग पाइल टू। सो लेट्स सी कि पाइल टू में आप लोगों के लिए क्या आता है। What is on your partner's mind? Let's have a look. सी आपके पार्टनर जो है ना, उनको लगता है कि रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स है, एंड मनी प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कंपैटिबिलिटी इश्यू, बहुत कुछ है आप लोगों के रिलेशनशिप में, जिस वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। एंड नो लेकिन इट विल नॉट स्टैंड द टाइम जो आप लोग ले रहे हैं रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। इट विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इट एंड दे नो इट। दे आर वेरी मच प्रिपेयर्ड कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता है और इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एंड आप लोग दूर हो सकते हैं एक दूसरे से। दे फील लाइक यू नो कि वेरी बाइंडेड, दे फील लाइक यू नो आपकी तरफ से भी बहुत प्रेशर आ जाता है कभी कभी उनके ऊपर। यू जज देम अलॉट एंड दे डोंट लाइक ऑल दैट। दे वॉन्ट टू बी फ्री, दे डोंट वॉन्ट टू गिव लाइक एनी कमिटमेंट्स एंड दे डोंट वॉन्ट टू बी बाइंडेड। एंड वही उनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में ना इट इज टू मच ऑफ गिविंग और आपके तरफ से बिल्कुल भी नहीं आ रहा। सो दे आर फीलिंग वेरी क्लस्ट्रोफोबिक एंड वेरी बाइंडेड एंड स्ट्रेस्ड आउट इन द रिलेशनशिप। उनको चाहिए था कि रिलेशनशिप उनकी ताकत बनी, रिलेशनशिप उनके लिए एक वो बने के, लेकिन लेकिन लाइक यू नो यू बिकम द गो टू पर्सन बट दैट इज नॉट हैपन एंड दे आर नॉट हैप्पी विद द ओवरऑल रिलेशनशिप हाउ इट इज गोइंग। सो दे आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द रिलेशनशिप। दे वॉन्ट टू काइंड ऑफ एंड द रिलेशनशिप। सो नाउ इट विल बी टोटली अप टू यू कि आप को क्या चाहिए, आप क्या करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में उनके साथ। वो थक गए हैं पुश कर कर गए कर करके एंड वर्किंग ऑन इट, बहुत ज़्यादा थक गए हैं कि वन साइडेड ही क्यों हो रहा है, ये टू साइडेड क्यों नहीं हो रहा है। इट शुड हैव बीन बोथ वेज, इट शुड हैव बीन इन अ वे वेयर बोथ ऑफ यू ऑल आर डूइंग थिंग्स टू मेक इट वर्क, बट वो नहीं हो पा रहा है एंड उनको लग रहा है कि अब इट इज क्रॉस द लिमिट एंड दे कांट डू इट एनी मोर एंड दे वॉन्ट टू काइंड ऑफ लाइक जस्ट मूव ऑन विद देयर लाइफ। सो ये आपके ऊपर होगा कि अब आप क्या चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप वर्क हो, रिलेशनशिप में कुछ हो, तो आपको ये कॉन्शियस एफर्ट्स करने पड़ेंगे ताकि धीरे धीरे करके आप एक साथ हो जाएं। या इवन इफ यू आल्सो फील दैट यू नो यू आर आल्सो डन विद इट, तो आप उनको यू कैन नोटिफाई देम, यू कैन लेट देम नो दैट यू नो इट्स टाइम दैट यू नो वी टेक अ ब्रेक एंड वी काइंड ऑफ मूव ऑन एंड वर्क ऑन आवर इंडिविजुअल लाइफ एंड नॉट बी टुगेदर। लेट्स सी व्हाट डज द सेल्फ केयर कार्ड सेज अबाउट योर, व्हाट योर नीड टू डू। This is write a gratitude list, okay? So maybe sometimes, you know, when things don't work out, when you're really tired with what is going on and very, very repetitive cheeze ho rahi hai life mein and relationships are not working, life is not working, so tabhi aap like, you know, you can just sit down and write a gratitude list ki aapke life mein kya achha hai jisko leke aap khush hai, jisko leke aap you're happy, you're satisfied ki okay, this is what the life is giving me and I'm okay with it. तो अगर आप ही ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखेंगे, मे बी यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस होल थिंग मच बेटर। और आप अगर ये भी लिख सकते हैं कि व्हाट इज इट दैट मेक्स दिस रिलेशनशिप वर्क विथ योर पार्टनर, इफ इट मेक्स यू हैप्पी देन यू नो यू कैन मेक एंड वर्क इट आउट। आप बात करके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बट इफ यू फील दैट यू नो द रिलेशनशिप इज नॉट मेकिंग यू हैप्पी एंड इट इज जस्ट यू हु इज मेकिंग द एफर्ट एंड योर पार्टनर इज नॉट डूइंग समथिंग, और लाइक यू नो द अदर वे अराउंड कि आपको लगता है कि आपने बहुत कर लिया या आपके पार्टनर ने बहुत कर लिया, दिस इज जस्ट नॉट वर्किंग आउट एंड यू जस्ट डोंट वांट इट टू वर्क, सो इट इज बेटर दैट यू नो यू बैक ऑफ। सो मे बी दिस ग्रेटिट्यूड लिस्ट और लाइक यू नो मे बी राइटिंग इट डाउन, जोटिंग इट डाउन विल गिव यू क्लैरिटी ऑफ थॉट कि आप क्या सही में चाहते हैं रिलेशनशिप से। ओके, सो दिस वॉज अवर पाइल टू। ओके, लेट्स मूव ऑन टू पाइल थ्री कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है फ्रॉम जुलाई, ऑगस्ट, सेप्टेम्बर, ये तीन मंथ्स में आता है, देन यू विल बी सिलेक्टिंग पाइल थ्री। तो पाइल थ्री वालों के लिए लेट्स सी व्हाट इज ऑन देयर माइंड, व्हाट दे थिंक अबाउट यू एंड डू दे मिस यू और डू दे वांट यू इन द रिलेशनशिप और उनको आपके साथ कैसे आगे लाइफ में बढ़ना है।
आपके पार्टनर जो है अभी दे वॉन्ट टू टेक दिस रिलेशनशिप टू नेक्स्ट लेवल. ओके, व्हेन आई से नेक्स्ट लेवल एज इन इफ यू ऑल आर जस्ट लाइक फ्रेंड्स, दे वॉन्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप लाइक एज अ रिलेशनशिप, प्रॉपर रिलेशनशिप वेर यू ऑल आर डेटिंग. अगर आप लोग डेट कर रहे हैं तो वो चाह रहे हैं कि आप लोग एंगेजमेंट एंगेजमेंट हो जाए. अगर आपकी एंगेजमेंट हो गई है तो वो चाह रहे हैं कि शादी हो जाए. अगर शादी हो गई है तो दे वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली. तो दिस इज वॉट योर पार्टनर वॉन्ट्स कि यू नो टू मूव टू नेक्स्ट स्टेप इन द रिलेशनशिप. ओके, दे आर काइंड ऑफ डन विद द स्टेज एंड द लेवल दैट यू ऑल आर एट राइट नाउ. दे लव यू, दे फील यू आर वेरी गुड एट एवरीथिंग एंड यू आर लाइक एन एंजल इन द लाइफ एंड यू ब्रिंग लॉट ऑफ पीस. दे हैव सीन यू ग्रो, दे हैव सीन ऑल थ्रू द लाइफ विथ यू, और उनको आगे भी लाइफ आपके साथ देखनी है, लाइफ में आगे भी आपके साथ बढ़ना है. तो दे आर थिंकिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, पॉजिटिवली अबाउट यू, और उनको चाहिए कि ये रिलेशनशिप इतना अच्छे से आगे बढ़े कि आप लोग म्यूचुअली एक दूसरे को प्यार करते रहें, म्यूचुअली एक दूसरे के साथ आगे बढ़े और एक दूसरे को समझे और एक से एक कदम मिला के चले. लाइक यू नो फेसिंग ऑल द डिफिकल्टीज आपके लाइफ में जो आती हैं वो फेस करके और उसके साथ अब लड़ के प्यार से आगे बढ़े अपने लाइफ में. दे वॉन्ट टू हैव लाइक अ हैप्पी फैमिली विथ यू, दे वॉन्ट टू हैव लाइक यू नो अ गुड लाइक यू नो गुड फैमिली, गुड फ्यूचर विथ यू. बट उनको कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि लाइक यू नो आप भी सही में ये भी आप भी चाहते हैं कि आप नहीं चाहते हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है. तो दैट थॉट ना उनको कन्फ्यूज कर देता है कि आर यू ऑन द सेम वेवलेंथ, सेम पेज एज दे आर, एंड आर यू थिंकिंग द सेम वे दैट दे आर थिंकिंग. अगर आप भी सोच रहे हैं यू नो दैट मेक्स देम रियली हैप्पी. इफ यू आर नॉट थिंकिंग देन यू नो दैट थॉट इज काइंड ऑफ बॉदरिंग देम कि आपको भी ये सेम वे से सोचना शुरू करना चाहिए, आपको भी ऐसे लाइक यू नो फील होना चाहिए. अगर आप फील कर रहे हैं तो देन यू नो दैट विल मेक देम रियली हैप्पी. अगर आप नहीं कर पा रहे हैं देन यू नो दे विल काइंड ऑफ लाइक यू नो फील कि क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं. सो ये थॉट उनको बहुत ज़्यादा बॉदर करता है एंड दे काइंड ऑफ फील वेरी लो व्हेन द थॉट कम्स इन देयर माइंड. सो यू विल हैव टू क्लैरिफाई दिस फॉर देम कि आप भी यही चाह रहे हैं, आपको कैसे आगे बढ़ना है, आपको कैसे उनके साथ फ्यूचर बिताना है. ये सब चीज़ें आपको उनके साथ करनी पड़ेगी ताकि वो भी सेम चीज़ें फील करना शुरू करे एंड दे फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द होल रिलेशनशिप विथ यू. ओके, सो दिस इज वॉट पाइल थ्री वालों के लिए है. लेट्स सी व्हाट द सेल्फ केयर कार्ड सेज फॉर यू कि आपको क्या करना चाहिए. इट सेज वॉच अ मूवी विथ योर पार्टनर टुगेदर, मे बी स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ योर पार्टनर विल हेल्प यू ऑल बिल्ड द रिलेशनशिप द वे दे आर थिंकिंग एंड द वे दे वॉन्ट. तो आपको मोर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, वॉच अ मूवी टुगेदर, गो आउट, हैव सम फन, एंजॉय टुगेदर एंड टॉक इट आउट. अच्छे से कम्युनिकेशन कीजिए, बातें कीजिए और एक दूसरे को बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आपका फ्यूचर कैसा होना चाहिए. ठीक है, तो दिस वॉज अवर पाइल थ्री. सो अब हमारी लास्ट पाइल जो है दैट इज इफ योर बर्थडे कम्स फ्रॉम अक्टूबर नवम्बर डिसम्बर, तो आप लोग पाइल फोर सेलेक्ट करेंगे. तो देखते हैं कि आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है, कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड व्हाट इज रियली गोइंग ऑन इन देयर माइंड. सो पाइल फोर वाले, आपको मैं यही बोलूंगी कि आपके पार्टनर ना डरते हैं कि कुछ बदनामी ना हो जाए, कुछ चीज़ें खराब ना हो जाए. दे आर एट पीस इन द रिलेशनशिप विथ यू. उनको लगता है कि आपके इमोशंस भी अच्छे हैं उनके साथ, आप उनका ध्यान भी बहुत अच्छे से रखते हैं, आप बहुत केयरिंग भी हो, आप इमोशनली उनको बहुत अच्छे से खुश रख रहे हैं और उनकी हर एक जरूरतों का टेक केयर करते हैं उनके साथ आप. लेकिन दे फाइंड पीस विथ यू, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे फील अबाउट दिस रिलेशनशिप. लेकिन उनको लगता है कि समवेयर यू एंड देम आर थिंकिंग वेरी डिफरेंटली अबाउट लाइफ. आप लोग, आपके दोनों के एंड गोल्स ना लाइफ से बहुत अलग अलग हैं. वो कुछ और चाह रहे हैं, आप कुछ और चाह रहे हैं लाइफ से. तो उनको एक कन्फ्यूजन हो जा रहा है कि क्या फ्यूचर आप लोग का साथ में सही हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. सो ये थॉट ना उनको हमेशा परेशान करता है कि मे बी यू नो लाइफ आगे वैसी ना हो जैसी आप लोग को चाहिए, मे बी ऐसा ना हो पाए जैसा होना चाहिए. सो यू नो ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ ऑलवेज बॉदर्स देम दैट यू नो क्या ये सही होगा, क्या आप लोग सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे, क्या आप लोग सही तरीके से इसमें
रिलेशनशिप में दे पाएंगे जो आप लोग को देना है, क्या आप दे पाएंगे, क्या वो दे पाएंगे, क्या इसका कोई फ्यूचर है कि नहीं है. और डिस्पाइट देम फाइंडिंग सो मच पीस इन यू एंड इन द रिलेशनशिप, वो खुश नहीं है कभी कभी बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस. बिकॉज आप लाइफ में लाइक यू नो आगे मूव बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं, वो शायद वो स्पीड में नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर आपको कोई और डेस्टिनेशन पे मूव आउट होना है, वो नहीं होना चाह रहे. सो लाइक यू नो द एंड गोल्स आर वेरी डिफरेंट आपका और उनका. तो आई वुड से कि प्रॉपर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड राइट नाउ आप दोनों के बीच में, एंड लॉट ऑफ टॉकिंग इज रिक्वायर्ड, लॉट ऑफ फ्यूचर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड. और लाइक यू नो कम टू अ कॉमन ग्राउंड, कम एंड डिसाइड कि अगर एक पर्सन मूव भी होता है तो हाउ विल यू मेक द लॉन्ग डिस्टेंस वर्क. अगर एक ही गोल्स अलग है, आपके गोल्स अलग है, तो कैसे इसको एक तरीके से ऐसे आप लोग करें ताकि आप लोग एक होके ही, अलग होके भी, एक होके भी आप लोग एक साथ रह सके और आप लोगों में डिस्टेंस ना आए. तो ये सब चीज़ें आप दोनों को ही बैठ के मिलके डिस्कस करके आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है. ठीक है, ओनली देन द रिलेशनशिप विल हैव अ गुड फ्यूचर, अदरवाइज देर विल बी अ डिस्टेंस इन द रिलेशनशिप. और धीरे धीरे करके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है डिस्पाइट बींग सो क्लोज एंड सो अटैच्ड विथ ईच अदर. सो दिस वॉज अवर पाइल 4. लेट्स सी व्हाट द सेल्फ केयर कार्ड सेज कि क्या आपको करना चाहिए टू मेक दिस थिंग वर्क. दिस इज इंट्यूशन. ओके, फॉलो योर इंट्यूशन. वॉट डज योर इंट्यूशन रियली से कि आपको चाहिए इनके साथ वर्कआउट करना है तो आप लोग कैसे करेंगे, आपको चाहिए कि वर्कआउट नहीं करना है तो क्या करना है, आपको चाहिए कि लॉन्ग डिस्टेंस में कैसे वर्क करेंगे, कैसे क्या करना है. जस्ट फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर इंट्यूशन कि आपको अंदर से क्या आवाज़ आ रही है आपकी, कि आप कैसे आपके पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर बिताना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं जिससे आपका ये रिलेशनशिप वर्कआउट होगा. वंस यू फॉलो दैट यू विल गेट ऑल योर आंसर्स एंड यू विल नो एग्जैक्टली कि आपको क्या करना चाहिए इसको और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए और इसको और डीपर बनाने के लिए. ठीक है, सो दिस वॉज अवर ऑल 4 पाइल की रीडिंग फॉर टूडे कि वॉट इज ऑन योर पार्टनर्स माइंड. होप आप इसके साथ रेसोनेट कर पाए हैं. तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी कौन सी पाइल थी और आपको कैसी लगी वो पाइल की रीडिंग. ऑल्सो इफ यू वॉन्ट अ रीडिंग, अ पर्सनल रीडिंग आप करवाना चाहते तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, जस्ट डीएम मी. और अगर आप चाहते हैं कि कुछ मैं नेक्स्ट टॉपिक मैं कुछ लेके आऊँ आपके लिए, विच इज लाइक यू नो वॉट एवर इन योर माइंड, लेट मी नो इन दैट एज वेल. सो थैंक यू एवरी वन, एंड प्लीज डू कनेक्ट विथ मी अगेन एंड फॉलो माई इंस्टा चैनल ऑल्सो, टीना सेलेस्टियल रीडिंग, एंड माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो. सो टेक केयर एवरी वन एंड हैव अ गुड डे. बाय.